लद्दाख ये एक ऐसी जगह है जो लगभग हर ट्रैवलर के बकेट लिस्ट में होती है और यहाँ पहुँचना हर ट्रैवलर के लिए सपने पूरे करने जैसा होता है। और इसी तरह हर ट्रैवलर की तरह हमारी भी विश थी लद्दाख के खूबसूरत वादियों को एक्सप्लोर करने का, और फाइनली आज वो दिन आ ही गया। So we are super excited to explore the beauty of Ladakh, which is filled with extreme pristine beauty, colorful monasteries, swift rivers, serene lakes, lots of adventures, and what not. So come with me, I'll take you to the virtual trip to Leh Ladakh. गुड मॉर्निंग एवरी वन, इट्स 4:30 AM और अभी हमें दिल्ली एयरपोर्ट पे और हमारी फ्लाइट है 5 बजे। सो वी आर अबाउट टू स्टार्ट अवर जर्नी टू लद्दाख। सो वी आर स्टेइंग इन दिस प्रॉपर्टी कॉल्ड उदबार गेस्ट हाउस, जो कि लेह मार्केट से अप्रॉक्स 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, जो कि मुझे थोड़ा सा दूर लगा बिकॉज यू हैव टू वॉक अपहिल टू रीच मार्केट। बाकी रूम्स आर प्रिटी गुड, स्टाफ भी अच्छे हैं। और एक चीज़ मुझे यहाँ अच्छी लगी वो है ये फ्लावर्स, दे हैव डेकोरेटेड देयर सराउंडिंग्स विद दिस ब्यूटिफुल फ्लावर्स। सो टुडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ आवर ट्रिप और आज हम रेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि फ्लाइंग डायरेक्टली टू द हाई अल्टीट्यूड प्लेस लाइक ले कैन कॉज अ सीरियस प्रॉब्लम इफ प्रॉपर केयर इज नॉट टेकन, बिकॉज ले इज अबाउट 11,600 feet एंड दिल्ली इज अबाउट 700 feet अबव सी लेवल। सो योर बॉडी नीड्स टाइम टू एक्लेमेटाइज टू दिस ड्रास्टिक चेंज। सो ऑन द फर्स्ट डे जस्ट टेक रेस्ट एज मच एज यू कैन एंड कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड एंड अवॉइड फिजिकल एक्टिविटीज। And you can just go ahead and enjoy the views from your hotel and nearby places. सो इट्स 4:30 PM और अभी हम जा रहे हैं लेह मार्केट, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव एंड एनर्जेटिक प्लेस इन लद्दाख। और गेस्ट हाउस के जस्ट सामने एक बड़ा सा प्रेयर व्हील है, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड मानी व्हील्स बाय द तिब्बतियंस, और ये आपको लद्दाख में हर जगह देखने को मिलेंगे। एंड दिस प्रेयर व्हील्स आर फॉर स्प्रेडिंग स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स एंड वेल बींग। हमारे होटल से ले मार्केट 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है और हमें 20 से 25 मिनट लग गए मार्केट पहुंचने में। वैसे तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, बट यू हैव टू वॉक अपहिल और यहाँ ऑक्सीजन की भी कमी है, जिसकी वजह से थकान महसूस होती है। सो इट्स बेटर टू बुक योर होटल नियर बाय मार्केट एरिया। सो वेलकम टू द फेमस ले मार्केट।
यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, लाइक ज्वेलरी से लेकर कपड़े, ग्रॉसरीज एंड लोकल फूड। वैसे तो लद्दाख इज फेमस फॉर इट्स पश्मीना शॉल्स मेड विद प्योर पश्मीना वुल, और यहाँ आपको कई सारे शॉप्स मिलेंगे जहाँ से आप शॉल खरीद सकते हैं। इसके अलावा लद्दाख इज फेमस फॉर इट्स तिब्बतियन हैंडीक्राफ्ट आइटम्स, स्टोन एंड सिल्वर ज्वेलरी, लद्दाखी एंड कश्मीरी रग्स एंड कार्पेट्स, क्रॉकरीज एंड दिस ट्रेडिशनल जैकेट विच आई बॉट फॉर माई नेफ्यू। एंड इफ यू वॉन्ट टू बाय हैंडीक्राफ्ट आइटम्स यू कैन विजिट तिब्बतियन मार्केट। और एक जगह मैं आप लोगों को रेकमेंड करना चाहूँगी, क्योंकि लद्दाख में एप्रिकॉट ज़्यादा होते हैं, सो यू कैन बाय प्योर ऑर्गेनिक एप्रिकॉट प्रोडक्ट्स फ्रॉम ऑर्गेनिक लद्दाख। यहाँ आपको एप्रिकॉट के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, लाइक लिप बाम से लेकर फेस क्रीम, स्क्रब्स, ड्राइड एप्रिकॉट्स, जैम्स एंड मेनी मोर। तो अभी हम पहुँचे हैं तिब्बतन रेफ्यूजी वेलफेयर एसोसिएशन मार्केट पे। यहाँ पे आपको रेडीमेड कपड़े मिल जाएंगे, लाइक जैकेट, स्वेटर्स, ट्रैक पैंट्स एक्सेट्रा, और वो भी काफ़ी रीजनेबल प्राइस में। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गई, मार्केट में आकर सबसे पहले हमने सिम कार्ड लिया, क्योंकि लद्दाख में दूसरे स्टेट्स के प्रीपेड कनेक्शन काम नहीं करता अनलेस इट्स अ पोस्टपेड कनेक्शन। सो इफ़ यू आर प्लानिंग अ ट्रिप टू लद्दाख और आपके पास पोस्टपेड कनेक्शन नहीं है, तो आप लोग यहाँ से प्रीपेड सिम ले सकते हैं, विच विल कॉस्ट यू अराउंड 400 रुपीज। मार्केटिंग के अलावा आप यहाँ सेंट्रल एशियन म्यूजियम जा सकते हैं और मोनेस्ट्री विजिट कर सकते हैं, जो कि लेह मार्केट में SBI मेन ब्रांच के जस्ट ऑपोजिट है, एंड दिस इज़ द ऑफिशियल हेडक्वार्टर ऑफ द लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन। सो फ्रेंड्स, अभी रात के 8:30 बजे हैं एंड वी हैड अ डिनर एंड वी आर वेरी टायर्ड, क्योंकि हम 4.5 घंटे से मार्केट घूम रहे हैं। सो आई एम एंडिंग दिस व्लॉग हियर एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। वैसे तो आज का दिन थोड़ा स्लो था, बट फ्रॉम टुमोरो वी आर गोना एक्सप्लोर सम एक्साइटिंग प्लेसेस, सो स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।